Bismillahirrahmanirrahim. Second part of centerpiece arrangement. अच्छा, मैं सबसे पहले क्ले निकाल रही हूँ. और इसे मैं सबसे पहले अरेंज करूँगी, पहले से ग्लू लगा के पेस्ट करूँगी. ग्लू मेरे पास थोड़ी कम है. दूसरी बॉटल निकाल लूँ मैं, ताकि अगर कमी बेशी हो तो वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाए. अच्छा, इसमें इतना वैसे हमें स्मूथ करने की ज़रूरत है नहीं. बहुत ध्यान से मुझे करना है, क्योंकि ये अच्छा, ये इसका एक एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा सा, जब आपका ये एक दो घंटे गुजर जाए तो आप इसको अपने हिसाब से, अपने हिसाब से फ्लावर आप सेट कर सकते हैं. मतलब आप ऊपर नीचे, आपको टर्न करना है फ्लावर्स को, आप कर सकते हैं आराम से. देखिए, इतनी ग्लू लगाने का रीज़न ही यही है कि आपकी अरेंजमेंट जो है वो परफेक्टली पेस्ट हो. ठीक है, अच्छा, इससे आप के ये ग्लू दिखेगी. मैंने इतनी सारी लगाई है तो बिल्कुल भी ये नहीं दिखेगी. ये ट्रांसपेरेंट होकर बिल्कुल अच्छी तरह से ये छुप जाएगी. अच्छा, इसी में ही आप चाहें तो आप क्या कहते हैं वो, थर्माकोल से भी आप अपनी अरेंजमेंट कर सकते हैं. यहाँ पर आपने जैसे थर्माकोल लगा लिया, इतना भर भर के ग्लू लगाने का रीज़न ही यही है कि प्रॉपर तरीके से पेस्ट हो सब. ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूंगी कि पहले मैं अपना रोज लगाऊंगी छोटा वाला. इस तरह से रखूंगी ताकि मुझे इसका प्रॉपर लुक आए. इधर से भी
जगह जो है वो खाली है, ये मुझे पहले रखनी पड़ी, बल्कि अभी नहीं, मैं जो मेरी एम्प्टी जो रह जाएंगी वो मैं बाद में स्पेसेस फुल करूँगी। हल्की हल्की सी कटिंग की है मैंने, ठीक है। अच्छा अब जो है अभी इसका, इसकी ये जगह खाली है, यहाँ पर मैं ब्लैकबेरीज का बंच लगाऊंगी। और इसी के साथ एक बंच में यहाँ पे अपने लाइलैक्स का भी इंसर्ट करूँगी। ये देखिए देखिए, ये मिक्स फ्लोरल स्प्रे है, मगर मैंने इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं। ये आपने देखा है ना कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा भर के कलर्स मैं नहीं ऐड करती, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा कलरफुल रिच कलर्स, सारे डार्क कलर्स वो ऐड करना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हो गया ये, ओके। अब मैं इसे थोड़ा सा इधर टर्न करूँगी, अभी यहाँ पर भी स्पेस खाली है, हमें इसे भी फिल करना है। और इसी के साथ अब मैं अपना एक